हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाली। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, इस चीज़ का आइडिया तो आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से लग ही चुका होगा। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप न्यूली पेरेंट बने हैं, अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का जो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम मार्केट में जाते हैं, हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि न्यूली जो पेरेंट बने हुए होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता। उनके माइंड में सिर्फ बच्चों के प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो जॉनसन्स बेबी और हिमालया, इन दो प्रोडक्ट्स का ही मतलब माइंड में हमेशा ब्रांड बैठे रहते हैं कि हाँ, बच्चों की अगर बात करी जा रही है तो फिर इन्हीं दोनों ब्रांड्स का ही कुछ हमें परचेज करना है। और जरूरी नहीं होता कि हर बच्चे की स्किन टाइप को ये प्रोडक्ट सूट करे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम लोगों ने ज्यादातर ये देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो मतलब न्यू बॉर्न होते हैं, तो उनके हेड का जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरह से रूसी खट्टा हो जाते हैं, जिसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जमा हो जाती है। और मतलब स्किन भी जो बच्चे की होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बच्चे के सन में इतने ज्यादा हेयर नहीं होते हैं, हेयर उनके बहुत ज्यादा सॉफ्ट जरूर होते हैं, बट यहाँ पे जो उनका वो एक तरह से आप गंद बोल सकते हैं जो यहाँ पे बैठता जाता है, वो बहुत ज्यादा मतलब न्यूली पेरेंट को तो डर भी लगता है कि उसको हम निकालें कैसे, क्योंकि छोटे बच्चे के हेड में हम कंघी भी नहीं मार सकते हैं। उनके साथ हम लोग कोई DIY भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे चाहे वो न्यूबॉर्न हो, चाहे वो थोड़े से बड़े हो जाए, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स तक के भी जो बेबीज होते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि सीजन कोई भी हो। अगर मैं अपनी बेटी की ही बात करूं तो वो अभी 3 साल की है, मतलब अभी 2 साल तक तो उसके साथ यही दिक्कत थी कि मतलब उसके हेड में डेंड्रफ हो जाता था। सीजन चाहे कोई भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, सर्दियों में तो बच्चों के होता ही होता है, उसकी गर्मियों में भी कभी कभी ऐसा लगता था कि डेंड्रफ कैसे फ्लेक्स से निकल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद फाइनली मैं एक ऐसे प्रोडक्ट में जाके अटकी हूँ जो मुझे लगा कि हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते और आपको बताते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। सो गाइज, ये प्रोडक्ट ना कोई हिमालय का है, ना ही ये कोई ऐसा कोई फेमस ब्रांड है, बट येस, अगर आप लोगों को कुछ पेरेंट होंगे जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगा, तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये है क्यूरेशियो का स्पू शैम्पू। और जो ये शैम्पू है ये छोटे बेबीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न टू 5 ईयर 6 ईयर तक के बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शैम्पू का जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि बच्चों के जो बाल होते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं, उनके बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका एज बढ़ने लगता है, उनके बालों की जो क्वालिटी होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनके बाल रफ ड्राई होने लगते हैं। स्पेशली अगर लड़कियों की बात करी जाए, लड़कियों के बाल हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा लंबे रखने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी इतनी ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, और केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग सोचते हैं कि शायद हम शैम्पू उसको चेंज कर लें तो बालों का कुछ मतलब क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सारे ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चाहे जॉनसन्स हो गया, हिमालया हो गया, मीमी का प्रोडक्ट्स हो गए, चीकू के प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उनको परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बट उनको डिसअपॉइंटमेंट ही एंड में मिलती है। बट ये जो ऐसा प्रोडक्ट है गाइज, इसको मैंने पर्सनली यूज़ करा, मेरे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, मतलब मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, और मैंने जिसको भी सजेस्ट करा है, सबके सब बहुत ज़्यादा हैप्पी। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, मुझे ये किसी ने सजेस्ट करा, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे बेबी के सर में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एक्चुअली ना डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, और बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई से होने लग गए थे, बट किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि आप एक बार इसको यूज़ करो, और उनको ये सजेस्ट करा था उनके किसी डॉक्टर ने, उनके बेबी बॉय था, उनके साथ इशू था, तो उसके बाद से हम लोग ये यूज कर रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बच्चे के बालों में कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा। अगर आपके बच्चे के बालों में डैंड्रफ है या नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, है तो रिमूव हो जाएगा, और नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो ये जो शैम्पू है ये बालों में से डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव कर देगा, बालों में सॉफ्टनेस, सिल्कीनेस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में, मतलब आपके बच्चे के जो बाल होंगे वो डेंस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बाल आने लगेंगे। कई बच्चे होते हैं जिनके बालों सर में इतने ज़्यादा बाल नहीं, तो थोड़े गंजे गंजे से होते हैं, तो फिर वो इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस प्रोडक्ट की लगी, वो ये है कि ये टीयर फ्री है। मतलब बच्चों को जब हम नहलाएंगे तो फिर उसमें क्या होता है, आंसू निकलने लगते हैं ना बच्चों की आंखों में, उनके शैम्पू चला गया, तो
इसके साथ वो चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये टियर फ्री शैम्पू है, तो बच्चे को अगर आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो उसके आंखों में से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेगा, बच्चा खुशी खुशी एंजॉय करेगा। तो गाइस इसके मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेलिंग दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ इतना सा है, बहुत छोटा सा है, और ये क्यूरेशियो स्पू शैम्पू इसका फुल नेम है। इससे पहले जो ये शैम्पू आता था उसकी पैकेजिंग कुछ अलग तरीके की होती थी, अब इसकी पैकेजिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप ये बिल्कुल टियर फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली भी ये टेस्टेड है। प्रोडक्ट क्वांटिटी 125 ml है, और गाइस आप इसको 2 साल तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है वो है 258 rupees। तो आप इसको ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करेंगे तो फिर आपको 250 rupees तक का या फिर 200 rupees तक का आराम से मिल जाएगा। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है देख सकते हैं आप कितना छोटा सा है और बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप कभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या कभी घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो फिर आप इसको ईजिली अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। तो ये मुझे कुछ इस तरीके का कुछ शीट थी इसके ऊपर, सेलोफेन शीट थी, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा रिमूव कर दिया। सुबह ही मैंने अपने बेबी को जब नहलाया था तो मैंने इसको खोल दिया, और कुछ इस तरीके का इसके ऊपर से टिकटॉक वाला इसका कैप होता है जो बहुत ही मतलब अच्छा है। और इसकी देखिए जो प्रोडक्ट का जो ये वो है क्वालिटी है वो कैसा है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, बहुत ही वाटरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी की तरह बहेगा, तो मतलब थिक है और ट्रांसपेरेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की ये लगती है कि ये बहुत अच्छे से झाग देता है बालों में, मतलब एक बारी में ही आपको बहुत ही अच्छे से हेड को वॉश कर लेगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इससे पहले वाला जो मैंने यूज़ करा था इसी यही प्रोडक्ट था, बट इसकी जो पैकेजिंग थी वो कुछ अलग तरीके की थी। तो उसमें मेरे को एक इशू ये होता था कि उसको जब भी आप शैम्पू को निकालने की कोशिश करते थे तो फिर वो हल्का सा उसको पुश करते थे तो फिर वो बहुत ज़्यादा निकल जाया करता था। इस प्रोडक्ट में मतलब कि ये जो बॉटल है, ये जो अब उन्होंने न्यू पैकेजिंग दी है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले वाली बॉटल को तो मैं उसमें से निकाल के अपना कोई फेस वॉश होता था क्लीन एंड क्लियर का उसके अंदर डाल के रखती थी, सो दैट ये बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट ना हो मेरा शैम्पू, सो मैं ऐसे उसको इस्तेमाल करती थी। इस वाले प्रोडक्ट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पहले वाले पैकेजिंग भी अच्छी थी, बट उसमें सिर्फ एक वही प्रॉब्लम था कि उसको अगर इस्तेमाल करो तो बहुत ज़्यादा वो एक बारी में क्वांटिटी निकाल दिया करता था। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बालों में स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके बच्चे का जो हेड होगा उसको बिल्कुल क्लीन रखेगा और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ड्राई रखेगा। तो ये था कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू कुछ इस तरीके से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज टू कमेंट एंड लाइक टू माय वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।